मंदसौर जिले के चंदवासा चौकी अंतर्गत हुआ दर्दनाक हादसा। नदी पार करते समय गहरे पानी में डूबी तीन महिलाएं हुई मौके पर ही मौत। रविवार दोपहर मंदसौर जिले के चंदवासा चौकी क्षेत्र के ग्राम तोलाखेड़ी में चंबल नदी का बेक वाटर पार कर दर्शन करने जा रही तीन महिलाओं की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर कुछ ही देर में तीनों महिलाओं के शव बाहर निकाल लिए। मृतकाओं में दो सगी बहनें और एक बहू शामिल है। एक साथ तीन महिलाओं की मौत के बाद तोलाखेड़ी गांव में मातम सा पसर गया है। जानकारी अनुसार तोलाखेड़ी से तीनों महिलाएं नदी पार कर ग्राम बढ़िया ऊंचा में स्थित मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। दोनों बहनों का मायका भी बढ़िया ऊंचा गांव में ही है। ग्राम तोलाखेड़ी निवासी सगी बहनें 55 वर्षीय मोहनबाई पत्नी गोपाल धनकर और 53 वर्षीय रामीबाई पत्नी रमेश धनकर, बहु 32 वर्षीय कारीबाई पत्नी गोवर्धन धनकर के साथ चंबल नदी के जलभराव क्षेत्र को पार कर बढ़िया ऊंचा जा रही थी। तभी अचानक गड्ढा आने से तीनों गहरे पानी में चली गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों को जैसे ही महिलाओं के डूबने की जानकारी मिली तो चंदवासा चौकी पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और ग्रामीणों की छानबीन करने के कुछ ही देर बाद तीनों महिलाओं के शव नदी से बरामद हुए। पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कुछ ग्रामीण डूबती हुई महिलाओं को देखकर उनको बचाने भी दौड़े, पर उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। महिलाओं को ढूंढने के दौरान तीनों के शव ही मिले। एक ही गांव के एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत होने पर गांव में मातम सा पसर गया है। वहीं इस घटना पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह ने तत्काल इस मामले में कलेक्टर गौतम सिंह से चर्चा कर प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। मंत्री के निर्देश पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए मृतकों के स्वजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। मंत्री डंग ने कहा है कि हादसा बहुत ही दुखद है। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।